अस्सलामुअलैकुम। देखो जी, हर डिफरेंट इलाके जो मेन हाई स्ट्रीट है उत्थे क्रिसमस लाइटां लोगों ने लाई, मतलब काउंसल ने लाई हैं एंड क्रिसमस के दौरान, एंड हर डिफरेंट इलाके डिफरेंट लाइट्स नज़र आ गई। एंड सेंट्रल लंदन कंप्लीट लाइटिंग सिस्टम है, तो पिछले कोई दो हफ्ते हो गए उत्थे लाइटिंग खुली है, एंड कद मौका मिले वह भी इंशाल्लाह तुम दिखावगा कि देखो जी लाइटिंग जो क्रिसमस पास है डिस्प्ले होता है कितनी खूबसूरती नाल लाइट्स लगाई गई है। ब्रिक्सटन साउथ ईस्ट एरिया है एंड सिटी तकरीबन 5-6 मील का फासला है, तो यह एक एरिया जी एज कालियां दा मिक्स कलर पीपल्स राइट टर्म ऑफ कलर पीपल, ते जो काले हबशी उन्होंने शहीदी भी किया जाता है, हबशी भी किया जाता है, मगर यह इलाका उन्हों का। तो बैक इन 80s एंड अर्ली 90s इस एरिए जो ए चौक आ रहे हैं इतने बड़िया राइट्स हो गई, एंड लॉट ऑफ ट्रबल एरिया। एक जमाना होता सी कि इस एरिए बंदा आना नहीं चाहता बिकॉज क्राइम रेट की वजह ला, ड्रग्स गन्स क्राइम हर एक चीज़ इस एरिए इस इलाके होता सी, मगर कई बार इतने बंदा आने वास्त ही यू नो डरता सी। मगर इतने राइट हैंड साइड तो एक है ब्रिक्सटन मार्केट जो काफ़ी फेमस सी इस पार्ट ऑफ लंडन, मगर हूँ ऐसा सूरत हाल है कि इस वेरी खाम काफ़ी नवी चीज़ा इत खुल चुकी हैं, न्यू हाउसिंग न्यू क्लब्स न्यू बार्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज एक चीज़ डाउनग्रेड हो ना तो उन्होंने अप ब्रिंगिंग करने वास्ते ना दे ब्रिंग एक नाइट लाइफ ना सीधी कर देंगे, ठीक कर दें नाइट लाइफ, हाली जी सिक्योरिटी कार्ड छोड़ दें, एंड उसकी वजह ला काफ़ी यंग पॉपुलेशन है फिर इस एरिए यू नो दे स्टार्ट मूविंग, ते हूँ इस टाइम ते इज लॉट ऑफ यंग कम्युनिटी यूरोपियन वाइट पीपल यंग सिटी वर्कर्स एंड ओनली ओनली 5-6 miles अवे फ्रॉम सेंट्रल लंडन, एंड उसकी वजह ला सिटी के कोल भी है, जो बंदे सिटी च काम करते हैं उन्होंने वैसे बड़ी आसानी है, एंड प्लस जो एक टाइम तो बदनाम सिटी सी हर एक बंदा अनकंफर्टेबल फील करता सी सिटी च आने वास्ते, हूँ वो सिटी फिर भी पहले दे हिसाब नाल ज़्यादा नहीं कम से कम 70% इज वर्थ लिविंग वर्थ लाइक सही है, यू नो 70% ठीक हो चुका है। ए देखो जी ए साढ़े हलाल बुचर्स इतने लैफ्ट हैंड साइड अदील हलाल कैश एंड करी उस ते डिलीवरी आ रही है, ते असानू इस तरह गोशर मिलना तो कुरबानी भी इस तरह मिलती है, ठीक है, और बाकी इतने जबा जबू करके फिर अगला बेचा जाता है। And this is a sheep, baby lamb and sheep. जो छोटा क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो लैम उसी जो बड़ा है वो शीप है, हलाल आमदन, मगर कई बंद बड़ा बड़ा शुभ है कि वाकई हलाल क्वेश्चन सब मिलता या नहीं मिलता। ग्रीन स्ट्रीट के इलाके कई चंद दुकाना अज तक भी एक तो एक बार मैं पर्सनली एक दुकान च गया ग्रीन स्ट्रीट क्वीन मार्केट, मैं क्या भाई क्वेश्चन हलाल है, कहना लिखे है, मैं बाहर जाके बोर्ड तो लिखे, मैं को नहीं लिखे, कहना फिर चाहिए, मैं नहीं चाहिए, उन्होंने 98% कस्टमर काले
तो जो हराम गोशत मिलता है अगू पिछू ये वरा लैम्स तो वह आके बेच छोड़ते तो साढ़ा काफ़ी चंद बुचर्स न जो मैं ना ना लेना चाहता किसी का वो एक टाइम तो हराम बेचते रहे ते जो स्पेशल मुर्ग है चिकन है एंड वो भी हराम मिलता रहा एंड मेरा एक ब्रदर कजन ब्रदर एक स्लेटर हाउस काम करता हूँ कहता है जो मैं जबा करना एक दिन च 12 घंटे शिफ्ट जो जबा मैं करना वो सारा हलाल है तो बाकी मैं कुछ ना कहता तो इो दा गोशत एज मुसलमान हलाल करके बेच छोड़ दें चिकन शॉप हो गई बाकी जो रेस्टोरेंट हो गया ऐ बंगाली रेस्टोरेंट हो गए ये कहते हैं कि भाई जन साडा गाहक सारा गोरा है मगर वाइट पीपल मगर असा हलाल गोशत लेने का कोई तुक नहीं बनता तो उन्हीं वाय हलाल गोशत महंगा मिलता है तो गोरियां का गोशत सस्ता मिलता है उसकी वजह लाल राय अपने बंदे जो रेस्टोरेंट चलाते हैं जो वो हराम गोशत लैके करते लाते स्पेशली बंगोली रेस्टोरेंट्स ए मैं इस गल का I am witness of this as well. तो बाकी काफ़ी दुकाना सन एक बहुत मशहूर दुकान सी साड़ी जो बहुत पुरानी सी तो साड़ी जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसके नाते है वो दुकान मशहूर सी तो उन्हों का एक बंदा जानने वाला जो ऐसी काम करता सी उसने कहा भाई जान इस पूरी जिंदगी हलाल नहीं सोचिया मगर ऐसे भी बंदे हैं जो अजकल डोना मीट भी मिल रहा है ये दुकाना ने इतने गोरियां दियाँ अरबी दियाँ मगर उत्थे बना के असैम्बल करके बेचते स्पिफ मार्केट एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर स्पिफ मार्केट है गोशत दी उत्थे सुन देखो सारे टर्की बैठे होंगे टर्किश मगर अजकल टर्किश फूड बहुत मशहूर है साढ़े इलाके तकरीबन किसी होटल चले जाओ ना तो टर्किश बंदा मतलब अपना पाकिस्तानी बंदा उतना इंजॉय कर रहा फूड तलाश करनी चाहिए हलाल की मगर इस सिस्टम से वो अपने मुसलमान बंदे चंद पैसे पिछे अपना दीन मजहब इना ला के अपने वास्ते दोजख खरीद के बंदे धोखा देंगे एंड अल्लाह उन्होंने कदे बख्श नहीं लिया मगर देखा जाए मैंने साफ कहा जी ना 30% कम से कम 30-40% या 70% असा हराम खाता उसी एंड अजकल का भी पता नहीं मगर पहले टाइम तो 1980 तो हूँ बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है मगर एक बारी एक BBC यूट्यूब पर प्रोग्राम है वह नाम है कुक इट, किल इट एंड ईट इट वो बड़ा वाला एक इश्यू सी जी कि उत्थे दी हेल्थ फूड मिनिस्टर दी मिनिस्टर सी बाकी मौलवी भी आए सन बाकी भी सारे बंदे उत्थे एक डिबेट हुई सी उसने आख्या सी मिनिस्टर ने जो मर्जी हो जाए कि असा अलाउ ना कर दे कि डायरेक्ट छुरी फेरी जाए चटका लाजमी है तो उसकी वजह लाल तुसा दसो साडा गोशत हलाल है या नहीं तो बंदे दावे करते हैं चोरी छुपे जाके जबा करते हैं असं भी कित मगर वी नॉट शो इफ इस जो असं दुकान तो लैने वो चटका है या छोड़ी पे रही है। अस्सलाम वालेकुम।